बहराइच में लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 3,20,000 रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि रुपईडीहा बॉर्डर के पास पुलिस और एसएसबी की टीम ने शक होने पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका, जिसके बाद उसके पास एक बैग से 3,20,000 रुपए बरामद किए गए। संदिग्ध व्यक्ति इतनी बड़ी रकम ले जाने का कोई सही कारण नहीं बता सका, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पैसे को जब्त कर लिया। 8 बजे के आसपास एक रंजीत महतो का नाम का आदमी, जो झारखंड का रहने वाला था, नेपाल की तरफ से आ रहा था, तो हमारी रुपईडीहा पुलिस की टीम और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा उसको रोका गया। जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 3,20,000 रुपए बरामद हुए, जिसका वो स्रोत नहीं बता पाया और इसको धनराशि को जब्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली गुटखे के पैकेट और गुटखा बनाने की सामग्री के साथ अभियुक्त के गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संकटा देवी चौकी क्षेत्र में किराए के मकान में ये फैक्ट्री काफी वक्त से चल रही थी। कोतवाली सदर के अंतर्गत मुखबिर की सूचना थी कि यहाँ कुछ गुटखा बनाने के अवैध फैक्ट्री में काम हो रहा है। उसकी सूचना पे कोतवाली पुलिस की पूरी टीम गई और वहाँ से मौके से काफ़ी संख्या में रैपर और नकली गुटखा बनाने के सामान आदि मिले हैं और एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है। इसमें पूछताछ चल रहा है और उसमें सुसंगत धाराओं में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत में दोघट पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस मुखबिर की सूचना पर टेकरी मार्ग के जंगलों में छापा मारकर तमंचा बनाने वाले फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 12 तमंचे बने हुए, 18 अधबने तमंचे बनाने के उपकरण और कारतूस बरामद किए हैं। थाना दोघट के एसओ और उनके साथ सीओ रमाला, सब लोगों ने मिलकर के एक सूचना पे एक फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें लगभग दर्जनों तमंचे बरामद हुए हैं और अधबने जो तमंचे के पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं। तमंचे बनाने के जो उपकरण है वो सभी बरामद हुए हैं और ये एक व्यक्ति एक राम नाम का है, जो जनपद मेरठ सरूप का रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद उसमें भी बहुत और लोगों के संलिप्त होने की जानकारी मिली है। हम लोग बाकी जितने लोगों के नाम आए हैं उनके पीछे हम लोगों ने टीम्स लगा रखी हैं और इसके पकड़े जाने से बहुत बड़ी सफलता है इस लोकल पुलिस की, जिसमें हो सकता है कि आगामी चुनाव में इन असलहों का प्रयोग हो। चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध असलाह कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने काली नदी के पास जंगलों में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 2 राइफल, 16 तमंचे, एक पिस्टल के साथ भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान मौके से एक असलाह तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जैतरा पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद हुई है। उसमें एक अभियुक्त भी मौके से शस्त्र बनाते हुए पकड़ा गया है। इसमें 2 राइफल बनी हुई है, एक पिस्टल है, 14 और असलहे हैं जो बने हैं, जिसमें से 2 अधबने हैं। कानपुर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आबकारी विभाग ने घाटमपुर तहसील में ग्रामीणों की मदद से अभियान चलाकर शराब की भट्टियों को नष्ट कराया। आबकारी विभाग ने गांव में शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला 10 कुंटल लहन और बनी हुई 100 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।